नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरों पर। आज देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस का जश्न। पीएम मोदी सहित दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन, जवानों के लिए लिखा संदेश। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने कपड़ों से दिया चुनावी संकेत, पहनी उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा। गणतंत्र दिवस पर दिखा राजपथ का भव्य नजारा, दिखाई दी भारतीय संस्कृति और शौर्य की शानदार झलक। अटरी बाघा सीमा पर मना गणतंत्र दिवस का जश्न। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मिठाई का किया आदान प्रदान। एएसआई बापूराम को मिला अशोक चक्र। जान दांव पर लगाकर आतंकियों को किया था ढेर, पत्नी और बेटे ने प्राप्त किया सम्मान। थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। परेड में गरजते हुए निकाले हेलीकॉप्टर और टैंक। बनारस की बेटी शिवांगी से गणतंत्र दिवस की परेड में राफेल के साथ दिखाई दी। वह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की इकलौती महिला पायलट। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए 565 खास मेहमान, निर्माण मजदूर, सफाई कर्मी, नर्सों व ऑटो चालकों को मिला मौका। एक दिन में 30,000 बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 2,85,000 नए केस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया। कहा, इंदौर को स्टार्टअप फील्ड में देश की राजधानी बनाएंगे, 1,00,000 सरकारी नौकरियां दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,966 नए केस, 8 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 8 दिन में 41 ने जान गंवाई। इंदौर शिवपुरी में नए स्ट्रेन BA.2 की एंट्री। एमपी में NH-30 को उड़ाने की साजिश। कश्मीर कन्याकुमारी को जोड़ने वाले ब्रिज के नीचे लगाया टाइम बम। यूपी सीएम योगी के नाम धमकी भरा पत्र भी मिला। राजपथ पर दिखा बोफोर्स तोप के स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य। जबलपुर की GCF में बनी सेना की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी तोप पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक बरसाती है। छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में 2 छुट्टी। इसके साथ ही श्रमिक सुधार, खेलों को बढ़ावा देने और बेटियों के लिए भी अलग अलग घोषणाएं। यूपी चुनाव को लेकर तीसरे, चौथे और पांचवे चरण की सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी तय। आज या कल जारी हो सकती है सूची। लखनऊ कैंट BJP के लिए बना सरदर्द। मौजूद विधायक ने कहा, अपर्णा यादव को नहीं, मुझे मिलेगा टिकट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजम खान ने सीतापुर जेल से भरा पर्चा। रामपुर शहर सीट से सपा के हैं उम्मीदवार। गया में नाराज छात्रों ने यार्ड में खड़ी बोगी में लगाई आग। श्रमजीवी एक्सप्रेस पर किया पथराव। बिहार यूपी में प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर रेलवे। रेलवे ने NTPC और Level 1 परीक्षा पर लगाई रोक। हाई लेवल कमेटी बनाई जो छात्रों की शिकायत सुने। 73वें गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में पाए नौकरी का मौका। 7 फरवरी तक करें अप्लाई। वित्त मंत्रालय ने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के 590 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 45 दिनों तक कर सकते हैं अप्लाई। CISCE ने 11वीं 12वीं स्वयं ऑनलाइन कोर्स के लिए जारी किया नोटिस। 31 मार्च है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बने पिता। पत्नी हेजल कीच ने दिया बेटे को जन्म। प्रशंसकों से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।